नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। नगर परिषद बरौनी के गठन के 5 महीने पूरा होने के बावजूद धरातल पर अब तक कोई विकास शुरू नहीं की गई है, समेत अन्य जन समस्याओं को लेकर भारतीय फ्रेंड्स क्लब ट्रस्ट बरौनी के बैनर तले क्लब के सचिव डॉक्टर संजीव भारती के नेतृत्व में सोमवार से नगर परिषद बरौनी कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की गई। धरना पर बैठे डॉक्टर भारती ने बताया कि नगर परिषद बरौनी क्षेत्र में जल निकासी के अलावा दीनदयाल रोड में अस्थायी जल निकासी की व्यवस्था हो, इसके लिए DPR बनाने की डिमांड की गई है। नगर परिषद क्षेत्र में ई रिक्शा वालों से अवैध बैरियर पर रोक लगाने के साथ नगर परिषद बरौनी के द्वारा उनका सुचारू रूप से कार्य शुरू हो, क्षेत्र में जितने भी गैर मजरुआ जमीन एवं गड्ढा है उसका सीमांकन कर उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। दीनदयाल रोड समेत अन्य रोड में भी पैमाइश कराकर रोड को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। इंदिरा आवास योजना, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, सभी प्रकार के प्रमाण पत्र सहित सभी सरकारी योजना का लाभ वंचितों को दिलाने नगर परिषद बरौनी क्षेत्र के कोलबोर्ड रोड में बने दुकान का सूचीकरण तथा अवैध किराया मालिक से मुक्त कराया जाए। सभी पथ सहित कार्बन फैक्ट्री जाने वाले पटेल पथ, बगराहाडी रोड एवं दीनदयाल रोड की मरम्मति के साथ ही पदाधिकारी को नगर परिषद कार्यालय में नियमित उपस्थित रहने समय का निर्धारण करें, थानों में आए सभी आवेदन की प्राप्ति रसीद देने की गारंटी, सार्वजनिक मुद्दों पर ढोल पिटवाकर आम सभा करने की गारंटी, मिलावटी सामान की जांच, पक्का व्हील की जांच की टीम का गठन समेत अन्य मुद्दे शामिल है। इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी नवीन कुमार से एक प्रतिनिधि मंडल मिलकर मांगों से संबंधित स्मार पत्र सौंपा। मांगों से संबंधित पदाधिकारी के धरना स्थल पर पहुंचने तक धरना जारी रखने की बात कही गई। समाचार प्रेषण तक धरना जारी था। मौके पर मोहम्मद अब्बास वार्ड पार्षद, भाजपा नेत्री किरण देवी, भाजपा नेता सुदामा कुमार सहित मोहम्मद अनवर हैरान, रत्नेश कुमार, उपेंद्र यादव, दशरथ कुमार राम, अरविंद पोदार समेत अत्यधिक लोग शामिल हुए। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।